हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी चोली बनाएंगे। ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन की चोली है और इसका लुक भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। हमने ये येलो और वाइट कलर में बनाई है। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है, ऊपर से डोरी भी लगाई है और यहाँ पे टिप टैप बटन लगाएंगे, जिससे कि ये बहुत आसानी से हम कान्हा जी को पहना भी सकते हैं। चोली को बनाना बहुत आसान है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से ये चोली बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप भी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि बहुत आसानी से आप ये चोली बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप चोली से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है adicultural world 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल चोली बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चोली बनाने के लिए हमें देखिए सबसे पहले व्हाइट कलर का ऊन ले लेना है। ये ऊन मीडियम साइज़ का है तो इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। अगर आप पतला ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी बना सकते हैं चोली। और इसके साथ ही साथ हमने देखिए ये 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। अब पहले हम एक लूप बना लेंगे इस तरीके से। देखिए, हमने ऐसे एक लूप बनाया हुआ है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया डालते हुए हुक में ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। तो ये यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से हम ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में फंसाकर लूप में से ऊन को निकाल लेंगे। तो देखिए, ये पहली चेन बन गई। ऐसे ही हम फिर से ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को फंसाकर लूप से निकाल लेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें चेन बना लेनी है। हमने टोटल देखिए 40 यानी कि 40 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इधर की तरफ से ये जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हमें दो चेन एक्स्ट्रा बना लेनी है, एक और ये दो। 40 चेन हमने पहले बनाई थी, दो चेन हमने एक्स्ट्रा बनाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा चेन थी उसको हमें दोनों को छोड़ देना है और तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है, हुक में ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। क्रोशिया में दो फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में उनको फंसा कर निकाल लेंगे, दो फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये देखिए, ये दूसरी सिंगल क्रोशिया बन गई। इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, हुक में उनको फंसा कर निकालेंगे, दो फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर दोनों फंदों से निकाल लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और तीन चेन बनानी है, एक दो तीन। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसा कर निकाल लेना है। तीन फंदे हो गए क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है। दो फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दो फंदों से निकाल लेना है। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है, हुक में ऊन को फंसा कर ऐसे निकाल लेना है। तो तीन फंदे हो गए क्रोशिया में ऊन को लेकर हम दो फंदों से निकालेंगे। दो फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकालना है। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसके बाद वाली चेन में डालेंगे, हुक में ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। तीन फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर दो फंदों से निकाला हमने, क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए दो फंदों से निकाला। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद दो लाइन और बना लेनी है। यानी कि ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल तीन लाइन कंप्लीट करनी है। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल तीन लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और तीन चेन बनानी है, एक दो और ये तीन। हमने जो तीन चेन बनाई है इसके आगे की पांच चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। पहले जो हमने तीन चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे, फिर उसके आगे की पांच चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो अब टोटल छह डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 10 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 10 चेन हमने छोड़ दी। 11th चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से ये कान्हा जी की स्लीव्स बन गई है। हमें ध्यान रखना है कि कान्हा जी की जो हम स्लीव्स बनाएंगे हमेशा थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए, बहुत छोटी स्लीव हम नहीं बनाएंगे।
नहीं तो कान्हा जी को चोली पहनाने में प्रॉब्लम होती है। अब हमने ये जो एक डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 7 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो एक पहले से बनाई है हमने, 7 और बनाएंगे, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने देखिए बीच में टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे की 10 चेन हम फिर से काउंट करके छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन हमने छोड़ दी। 11th चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब हमने ये जो डबल क्रोशिया बनाई है, इसके आगे की 5 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। जैसे कि हमने देखिए इधर आगे की तरफ से भी 6 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी 6 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करना है। इधर से भी हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए कान्हा जी की दोनों स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की दूसरी चेन में हमें एक बार ही डबल क्रोशिया बनानी है। फिर देखिए इसके आगे की चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और बना लेनी है। यानी कि ऐसे ही हम टोटल 2 लाइन बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए टोटल 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। मुझे ये जो चोली है इसकी इतनी ही लंबाई चाहिए थी। अगर आप इससे लंबी चोली बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही 2-3 लाइंस और बना सकते हैं। अब यहाँ लास्ट में जो एक फंदा बचा हुआ है हमें इसको ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद ऊन को हमें इसमें से निकाल कर ऐसे खींच कर यहाँ पर टाइट कर लेना है, जिससे कि ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट करके निकाल देंगे, बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हमें इसको कट करना है। लॉक करने के बाद अब देखिए चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है, ये पतला वाला ऊन था इसलिए हमने इसको डबल करके यूज़ किया है। अब हम डोरी बनाएंगे, तो डोरी बनाने के लिए हमें देखिए पहले इस तरीके से एक लूप बना लेना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और ऊन के नीचे से क्रोशिया को डालते हुए हुक में ऊन को फंसा कर लूप में से निकाल लेना है, तो ये लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो ये चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे, तो इस तरीके से देखिए ये चेन बनती जाएगी। ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बना लेनी है। हमने देखिए येलो कलर से एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर ली। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो हम इसको ढीला करके ऊन को इसमें से निकाल कर यहीं पे लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर लेना है, बिल्कुल पास से नहीं, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम कट करेंगे, और इधर की तरफ से भी एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर लेंगे। अब हमें चोली लेनी है और इसको देखिए ऐसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ किनारे से जो पहली डबल क्रोशिया है इसके बीच में जो गैपिंग है यहाँ से हम डालेंगे डोरी को, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए यहाँ पे जो गैपिंग है इसमें से हम डोरी को डालेंगे और पीछे से निकाल लेंगे। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और गैपिंग में से ऐसे डोरी को निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें 2-2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए डोरी डाल लेनी है यहाँ लास्ट तक। 2-2 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ते हुए हमने देखिए लास्ट तक इसमें डोरी भी डाल ली है। अब हमने देखिए ये येलो कलर का बटन ले लिया है, जो मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाता है। इसको यहाँ आगे की तरफ से हमें 3 बटन लगा लेना है, जिससे कि चोली का लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इस तरीके से हम बटन लगाएंगे। बटन लगाने के बाद अब देखिए चोली कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है, तो ऊपर से तो हम इसमें डोरी बांध देंगे, यहाँ नीचे से जो ओपन है यहाँ पे हमें टिप टैप बटन लगा लेना है। अगर आपके पास टिप टैप बटन नहीं हो तो आप इसकी जगह पे वेलक्रो या हुक भी लगा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनर चोली बनकर बिल्कुल तैयार है, और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये चोली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।